वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथ फिल्मी टीवी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साउथ की 10 अपकमिंग न्यू हिंदी डब मूवीज के कन्फर्म रिलीज डेट के बारे में, जो 20 जनवरी से 10 अप्रैल के बीच टीवी, यूट्यूब और थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। और 3 नई मूवी से जुड़ी अपडेट भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहली मूवी है 2015 में आई तमिल कॉमेडी थ्रिलर मूवी रोम्भा नालवंदा नी, जिसको हिंदी में नाम रखा गया है डेयरिंग दिलवाला 3। इस मूवी के लीड रोल में नजर आने वाले हैं मिर्ची सेंथिल, श्रुति बाला और सर्वजीत। इस मूवी का हिंदी डब वर्जन अवेलेबल हो चुका है एडवाइज मीडिया के यूट्यूब चैनल पर। इस लिस्ट में अगली मूवी है 2023 में आई तमिल साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी इको, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं श्रीकांत, विद्या प्रदीप और पूजा जावेरी। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर जनवरी के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा सिनिकोन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर। इस लिस्ट में अगली मूवी है 2023 में आई तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी रथथम, जिसको हिंदी में नाम रखा गया है रथम। इस मूवी के लीड रोल में नजर आने वाले हैं विजय एंथनी, महिमा नामवेर, नंदिता श्वेता और राम्या नामबिशन। IMDB पर इस मूवी को 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 26 जनवरी को रात को 8 बजे कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 26 जनवरी को रात को 8 बजे कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पर। और दोस्तों, इस मूवी का हिंदी बैनर है RKD स्टूडियो। तो दोस्तों, यह मूवी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के बाद RKD स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी है 2023 में आई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी भगवंत केसरी, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं नंदमुरी बाला, कृष्णा श्रीलीला, अर्जुन रामपाल और काजल अग्रवाल। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 4 फरवरी को रात को 8 बजे कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पर। और दोस्तों, इस मूवी का हिंदी बैनर है एडवाइज मीडिया डिजिटल। तो दोस्तों, यह मूवी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के बाद एडवाइज मीडिया के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही रिलीज डेट कंफर्म होगी, हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। इस लिस्ट में अगली मूवी है तेलुगु हिंदी बाइलिंगुअल एक्शन थ्रिलर मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं वरुण तेज और मानुषी चिल्लर। यह मूवी 16 फरवरी को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में अगली मूवी है ईगल, यह अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसको हिंदी में नाम रखा गया है सहदेव। इस मूवी के लीड रोल में नजर आने वाले हैं मास महाराजा रवि, तेजा अनुपमा, परमेश्वरम नवदीप, काव्या थापर, श्रीनिवास और मधु। पहले यह मूवी 13 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस मूवी के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यह मूवी 9 फरवरी को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में अगली मूवी है 2023 में आई तेलुगु पीरियड एक्शन थ्रिलर मूवी टाइगर नागेश्वर राव, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं मास महाराजा रवि, तेजा अनुपम खेर, गायत्री भारद्वाज, रेणु देसाई और नूपुर सानन। इस मूवी का कमिंग सून का प्रोमो आउट हो चुका है कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पर। तो दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जल्द आपको जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के मंथ में देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पर। और दोस्तों, इस मूवी का हिंदी बैनर है RKD स्टूडियो। तो दोस्तों, इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आने वाले टाइम में RKD स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में अगली मूवी है राम पोथिनेनी की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म डबल स्मार्ट। यह मूवी 8 मार्च को हिंदी के साथ साथ बाकी अन्य भाषाओं में थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में अगली मूवी है देवरा पार्ट 1, यह अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं जूनियर NTR, जानवी कपूर और सैफ अली खान। यह मूवी 5 अप्रैल को हिंदी के साथ साथ बाकी अन्य भाषाओं में थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में अगली मूवी है द गोट लाइफ, यह अपकमिंग मलयालम लैंग्वेज की सर्वाइवल ड्रामा मूवी है, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं पृथ्वीराज सुकुमारन और आमला पॉल। इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह मूवी 10 अप्रैल को हिंदी के साथ साथ बाकी अन्य भाषाओं में थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में अगली मूवी है थंगलन, यह अपकमिंग तमिल लैंग्वेज की हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं चियान विक्रम पासुपति और मालविका मोहन। यह मूवी अप्रैल 2024 में हिंदी के साथ साथ बाकी अन्य भाषाओं में थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब इस मूवी के रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है। इस लिस्ट में अगली मूवी है 2023 में आई मलयालम सुपर हिट कोर्ट ड्रामा मूवी नेहरू, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं मोहन लाल और प्रिया मनी। IMDB
आईएमडीबी पर इस मूवी को 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी का ओटीटी प्रीमियर होने वाला है 23 जनवरी को हिंदी के साथ साथ बाकी सभी साउथ इंडियन भाषाओं में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस लिस्ट में अगली मूवी गुंटूर कारम, यह तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा मूवी है जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं महेश बाबू, श्रीलीला मीनाक्षी चौधरी, राम्या कृष्णन और जगपति बाबू। आईएमडीबी पर इस मूवी को 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। बात कर इस मूवी के हिंदी डबिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट सोल्ड हो चुकी है। इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट को खरीदा है गोल्ड माइंस ने। जैसे इस मूवी की हिंदी रिलीज डेट कन्फर्म होती है हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। इस लिस्ट में अगली मूवी है इंडियन 2, यह अपकमिंग तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं कमल हसन, एसजे सूर्या, काजल अग्रवाल, सिद्धार्थ राकुल प्रीत और प्रिया भवानी शंकर। इस मूवी के ओटीटी राइट सोल्ड हो चुकी है। इस मूवी के हिंदी के साथ साथ बाकी सभी साउथ इंडियन भाषाओं की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स के पास है। इस लिस्ट में अगली मूवी है विजय सेतुपति की 50वीं फिल्म महाराजा जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप, अभिरामी और ममता मोहनदास। इस मूवी की भी ओटीटी राइट सोल्ड हो चुकी है। इस मूवी के हिंदी के साथ साथ बाकी सभी साउथ इंडियन भाषाओं की ओटीटी राइट नेटफ्लिक्स के पास है। तो दोस्तों इन सभी मूवीज में से आप किस मूवी को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।